अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आशीष किचन। कैसे हैं आप सब लोग? आशीष किचन में आज मैं बना रही हूँ पिज्जा कपकेक्स। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दिया करें और अच्छे अच्छे से कमेंट भी किया करें। इससे सबसे पहले इसकी पिज्जा की हम डो बनाएंगे। इसके लिए मैंने ले लिया 2 कप मैदा, 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, 1 रूम टेम्परेचर पे अंडा, 1 टेबल स्पून शुगर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1.5 टेबल स्पून इसमें जाएगी इंस्टेंट ड्राई ईस्ट, पानी ले लेंगे टैप वाटर, 2 टेबल स्पून ऑयल, ड्राई मिल्क पाउडर, नमक, 1 टेबल स्पून शुगर, ड्राई ईस्ट और 1 अंडा। इसको करेंगे मिक्स और इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। इसमें जाए इसको करेंगे मिक्स। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, पहले इसको मिक्स करेंगे और ऐसे जिस तरह क्रम्स की तरह ना ऐसे हो जाएगा सारे। इसके डालेंगे अंदर पानी थोड़ा थोड़ा, इसको समेट कर इसको मैं काउंटर टॉप पे डाल लूँगी और इसको अच्छे से नील कर। इस तरीके से ये इससे ही होगा कि आपका जो आटा है ना वो अच्छा गूंदा जाएगा और डो भी अच्छी बनेगी। हल्का सा हाथ को गीला कर लूंगी। अच्छा ये देखिए, अब जब ये स्टिकी स्टिकी सा होना शुरू हो गया और सिमट गया तो ये रेडी है। ठीक है, अब मैं इसको बोल में डाल देती हूँ। ये देखिए अच्छी सी डो इसकी रेडी हो चुकी है। मैंने जो योगर्ट बनाया था मैंगो योगर्ट, उसकी रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत अच्छी बनती है और ईजी और क्विक डिज़र्ट है आपके ये मैंगो सीजन में। अच्छा, इसके ऊपर मैंने ऑयल लगा दी और इसको मैं क्लीन पेपर से रख दूंगी। तकरीबन 1 घंटे में 2 घंटे में ये अच्छा सा हो जाएगा राइस। ये देखें इसका जो डो है पिज्जे की वो कितनी अच्छी फूल चुकी है। आप इस डो से जो है वो बड़ा पिज्जा जो किसी भी साइज में जो है बना सकते हैं। अब मैं इसको पंच करूंगी और काउंटर पे मैदा डस्ट करेंगे, इसको मैं निकाल लूंगी, इसको थोड़ा सा हम नीट कर लेंगे। ताकि अच्छी सी डो जो है वो रेडी हो जाए। अब इसके हम छोटे छोटे से पीस कर लेंगे। इसको मैं लंबा कर लेती हूँ ताकि इक्वली जो है इसके पीस हो। जी तो मैंने मफिन ट्रे ले लिए, इसके अंदर मैं इस तरीके से ऑयल से इसको ग्रीस कर लूंगी। सारी साइड पे आपने कर लेना ताकि इजीली फिर ना निकल आए।
छोटे छोटे से देखे मैंने इस तरह इस तरीके से पेड़े बना लिए। इसकी छोटी सी रोटी बेल लूंगी मैं, मैदा रोस्ट करेंगे और छोटी सी आप इसकी रोटी बेल लेंगे, ठीक है। एक मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, आपने इसके हिसाब से बेल लेनी है। अगर ज़्यादा लग रही तो हम काट लेंगे। इसको आपने इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है इसके अंदर। साइडों से हम काट देंगे एक्स्ट्रा। इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं इसके अंदर। इस तरीके से, ठीक है, ये देखिए। इस तरीके से मैं सारे कर लेती हूँ। इसके अंदर मैं फोक इसके माथ को फिलिंग भी करके बता देती हूँ इस पे। इस तरीके से इसमें मैं सारे लगा लेती हूँ, फिर आपसे आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बताती हूँ जी। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर फोक से, ताकि इसमें से ना एयर ख़त्म हो जाए, ये मैंने इस तरीके से इसमें से ऐसे फोक से कर ली है। और ये मैंने इस तरीके से लाइनिंग लगा ली है कप, ठीक है। इधर आप फिलिंग देख लें। मैंने चिकन टिक्का ले लिया और इसको मैंने बहुत छोटे पीसेस में कर लिए, क्योंकि छोटे पीजे यानी कि पिज़्ज़ा कप केक्स हैं, इस वजह से इसको मैंने छोटे छोटे सिंपल मैंने 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया, उसमें मैंने ये तकरीबन 1 ब्रेस्ट पीस है, इसको मैंने छोटा छोटा कर लिया और टिक्का मसाला डाल के मैंने इसको जो है वो थोड़ा सा कुक कर लिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ले लिया, आप सॉसेजेस ले सकते हैं। मैंने कबाब ले लिए, सीख कबाब, और इसको इस तरीके से मैंने स्लाइसेस में काट लिए, ठीक है। ये भी अच्छे लगते हैं इस तरीके से। ये तकरीबन 2 कबाब हैं, इनको मैंने इस तरीके से काट लिए। मिक्स्ड हर्ब्स मैंने ले लिए, ओरिगैनो ले लिए, पार्सले, पिज़्ज़ा सॉस और ब्लैक ऑलिव्स। अच्छा, सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी पिज़्ज़ा सॉस। ठीक है, पहले मैं आपको एक बना के दिखा देती हूँ। इसको पिज़्ज़ा सॉस को लगा लेंगे सारे पे। इस तरह से आपने इस पे भी लगाना, ताकि किनारों पे भी ना टेस्ट आए, ठीक है। मैं आपको एक बना के पहले दिखा देती हूँ। उसके बाद आपने इसमें डालना है चीज़ और इसको प्रेस करना है, क्योंकि हमने बाकी चीज़ें भी डालनी है। उसके बाद डालेंगे ये चिकन टिक्का, ठीक है। उसके बाद हम डालेंगे कैप्सिकम। मैंने कैप्सिकम काट लिए, आप अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। टोमेटोज डाल दिए मैंने और कबाब डालेंगे। कबाब के चंक्स आप सॉसेजेस भी डाल सकते हैं और ब्लैक ऑलिव। ठीक है, इस तरीके से, और ऊपर से फिर से चीज डालेंगे। इसको मैं प्रेस कर दूंगी। ठीक है, इस तरीके से मैं सारे बना लेती हूँ।
ये देखिए मैंने इसको रख दिया, मैंने इसको पतीली में बना रही हूँ। पतीली को मैंने पहले 15 मिनट पहले मैंने इसको प्री हीट करने के लिए रख दिया था हल्की आंच पर। अभी मैंने इसकी लो टू मीडियम पे हम इसको जो है वो बनाएंगे, और इंशाल्लाह ताला आपको जो है वो पतीली में इसलिए बनाती हूँ ताकि सबके लिए इजी हो जाए, इसलिए पतीली में बनाती हूँ। इंशाल्लाह ताला अपना ओवन जो है वो मैं उसको करवा लूँ, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपके साथ ओवन भी दिखा देता हूँ। ओवन जो है वो फिट करवाया हुआ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो लॉकडाउन की वजह से इसको थोड़ा सा वो इसका कनेक्शन नहीं है, तो इंशाल्लाह कनेक्शन हो जाए तो फिर इसमें आपको जो है ना बेकिंग करना बताओ जी। तो ये देखें कि पिज़्ज़ा कप केक्स आपके रेडी हो चुके हैं। इसी रेसिपी से आप पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं और पिज़्ज़ा कप केक्स भी बना सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि ऊपर से ये विदाउट ओवन बने, मैंने पतीली में बनाया, और ये देखें इसका, ये देखें कि ये प्रॉपर ब्राउन है, ठीक है, ये देखिए प्रॉपर ब्राउन है। और इसी रेसिपी से आप जो है वो पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं। मैं पिज़्ज़ा भी बना रही हूँ इंशाल्लाह, वो भी उसकी भी पिक्चर और वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। इसको आप अपने तरीके से कुछ भी सॉसेजेस लगा लें, मशरूम लगा लें, लेकिन पार्टी के लिए या बर्थडे पार्टीज़ के लिए ये बहुत अच्छी डिश है। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैं आपको एक काट के दिखाती हूँ। ये देखें अंदर से भी फुली कुक्ड है। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट भी अच्छे अच्छे किया करें। हम बड़ी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, और जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।